नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के चैनल में जिसका नाम है मोहित दिल्ली वाला। मैं हूं आपका मोहित सतीजा और वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज मैं आपको डिटेल्ड टूर दिखाने जा रहा हूं अपने टेरेस जिम का, और आज मैंने कुछ न्यू एडिशंस किए हैं वेट में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना वेट लाया हूं मैं। और सबसे पहले उस सब वेट को हम सैनिटाइज़ कर लेते हैं, धो लेते हैं उसको अच्छे से, क्योंकि बाहर से आई है, और उसको अच्छे से साफ़ करके जर्म स्किल कर लेते हैं उसको, और उसके बाद उसको चढ़ाएंगे ऊपर जो कि मेन टास्क है सेकंड फ्लोर पे टेरेस पे, और फिर मिलते हैं आपसे। तो चलो आप पहले धो लें वेट को, जर्म्स का नाश, कोरोना का नाश। तो जी ये देख लो, 15 किलो की चार प्लेटें आई हैं, और ये आई हैं जी 25 किलो की दो प्लेटें हैं, तो टोटल 50 और 60, 110 किलो का वजन आया है, प्लेटें आई हैं, क्योंकि डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स में हमारे पास थोड़ा वेट कम था ऊपर टेरेस जिम में। और जैसे कि अभी ये बाहर से आई हैं तो हम इनको करेंगे सैनिटाइज अपने सैनिटाइज़र से, ताकि जर्म्स वगैरह सब टाटा बाय बाय हो जाएं। तो इसको हम करते हैं सैनिटाइज, पहले पानी से धो लेते हैं इनको, थोड़ी बहुत मैंने अभी धो ली थी, और पानी से कर लेते हैं इनको साफ। उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे सैनिटाइज़र ताकि इसमें से कीटाणु नष्ट हो जाएं। तो आधा वर्कआउट तो आज यही हो जाएगा, पूरी होल बॉडी वर्कआउट, दो फ्लोर चढ़ने इन वजन को लेके। अब सैनिटाइजर लगा लेते हैं, 5 लीटर की कैनी लेके आए नाहरपुर से रोहिणी, तो दो दिन आओ। हाँ जी, तो सैनिटाइज हो गई हैं प्लेटें, अब जो टास्क है इनको है ऊपर लेके जाने का। तो अभी इनको यहाँ सूखने देते हैं थोड़ी देर, और फिर धीरे धीरे लेके चलते हैं इनको ऊपर, और आपको दिखाता हूँ अपना टेरेस जिम। शायद आपने पहले की वीडियोस में देख भी लिया होगा, बट आज मैं थोड़ा डिटेल्ड आपको बताऊँगा कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं मेरे पास, क्या क्या वेट्स हैं, क्या क्या डंबल्स हैं, और सब दिखाता हूँ। चलो आओ चलते हैं। आ गया है, और ये 25 किलो होते ही 110 किलो सेकंड फ्लोर पर चढ़ा है। तो फाइनली सारा वेट ऊपर आ चुका है, और अब मैं आपको देने जा रहा हूँ अपना टेरेस जिम का छोटा सा टूर। सबसे पहले डंबल्स की रेंज है ये 5 kg ईच से स्टार्ट, 7.5, उसके बाद 10, आफ्टर दैट 12.5, और उसके बाद 15 किलो। ठीक है जी, तो ये पूरी डंबल की रेंज है हमारे पास, जिससे हम डंबल से जुड़ी हुई सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हालांकि ये वेट थोड़ा सा कम है, आई एम प्लानिंग टू गो अप टू 30 kg पेयर, तो वो कुछ दिनों बाद मैं ले आऊँगा वो डंबल्स, तो अभी फॉर द टाइमिंग इतना ही है डंबल्स में वेट। और इसके बाद आप ही हमारे पास ये बाइसेप्स की रॉड, हम बाइसेप्स लगा सकते हैं इस तरीके से, इजिट बार जो है कर्ली बार कहते हैं इसे, जिगजैग रॉड, ऐसे भी हम बाइसेप्स लगा सकते हैं, ट्राइसेप्स लगा सकते हैं। तो टोटल फ्री वेट अभी तक मेरे पास था 80 kg, आज मैं ले आया हूँ 110 kg, तो अब हो गया है टोटल फ्री वेट मेरे पास प्लेट्स का 190 kg मिला के। इसके बाद हमारे पास है 7 feet लंबी रॉड, जिससे हम शोल्डर प्रेसेस करते हैं, और इनफैक्ट हम बाइसेप्स भी लगा सकते हैं, बेंच प्रेस के लिए काम आती है, डेड लिफ्ट है, स्क्वाटिंग है, तो उसके लिए ये है, अभी आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द 7
फीट वाला रॉड, ठीक है। तो इससे हम शोल्डर प्रेसेस लगा सकते हैं, चाहे तो हम बाइसेप्स भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। हम बाइसेप कर्ल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉड है, स्क्वाट्स कर सकते हैं और डेडलिफ्ट वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रॉड है। उसके बाद है हमारे पास पुशअप बार्स, इसे हम पुशअप लगा सकते हैं, जो कि ओवरऑल हमारा शोल्डर्स और चेस्ट और बैक को, अपर बैक को स्ट्रेंथन करता है। उसके बाद है हमारे पास ये रोलर, जो कि एब रोलर है, कोर स्ट्रांग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है अपने पास बहुत ही मजबूत, बहुत ही देसी किस्म का बेंच है, जो कि इंक्लाइन, फ्लैट और डिक्लाइन तीनों हो सकता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए इसका ये नॉब है, ये नॉब निकाला और इसको हमने चाहा तो फ्लैट कर लिया, और अगर हमने इसको ऐसे छोड़ दिया और इसको यहाँ से एडजस्ट किया तो ये डिक्लाइन हो गया, और इससे पहले इंक्लाइन तो आपने देख ही लिया था। तो ये थ्री वे एडजस्टेबल बेंच है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेंच की एक्सरसाइजेस के लिए, इसके बिना आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास चिन अप रॉड, इससे हम चिन अप्स लगा सकते हैं, हैंगिंग लेग रेजेस लगा सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। एंड उसके बाद ये मेरे पास रेजिस्टेंस स्प्रिंग बैंड है, इससे हम चेस्ट एक्सपेंशन की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ये हम ट्राइसेप्स कर सकते हैं। तो ये है मेरा छोटा सा जिम जो मैंने टेरेस पे सेटअप कर रखा है, और लॉकडाउन में मुझे बहुत ज़्यादा काम आया। हालांकि ये सब सामान मैंने 7-8 साल पहले लिया हुआ था, क्योंकि मुझे जिम करते हुए 7-8 साल हो चुके हैं, तो तभी मैंने अपना एक छोटा सा होम जिम बना लिया था, जो कि अब मैंने टेरेस पे शिफ्ट करके लॉकडाउन में वर्कआउट किया है। और आप मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट देखते ही होंगे, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी @mohitdillywala, जाके मुझे फॉलो कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, और इन्जॉय करो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जिम पसंद आया होगा। आप भी अपने घर पे छोटा सा जिम बनाएं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते मुझे लगता नहीं 2 या 3 महीने तक जिम खुल पाएंगे। इनफैक्ट आई डोंट नो कितना आगे जाएगा ये सब। और आपको बहुत बहुत प्यार, एज ऑलवेज मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आई लव यू, बाय। Mm-hmm.